नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा के साथ। देश में सोमवार को चौथे चरण का मतदान हुआ, जिसमें 9 राज्यों के लिए 71 सीटों के लिए मतदान हुआ। अनिल जी, अभी तक जो मतदान के आंकड़े हैं, जो अपने पास बात है, राजस्थान में पिछले 2014 की हम बात करें उसके मुकाबले मतदान ज्यादा हुआ है। हाँ, पिछली बार 63% के आसपास था, जिससे कि मोदी लहर का पे सवार होकर लोगों ने वोट दिए थे जी। इस बार ये 66% क्रॉस करेगा ऐसा लगता है। अभी ईस्टर्न राजस्थान की सीटें बाकी है, 12 सीटें, बीकानेर की, गंगानगर की, पूरी शेखावटी बाकी है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, भरतपुर, अलवर, दौसा, यहाँ हैवी पोलिंग होगी, इससे भी ज़्यादा होगी जितनी अभी हुई है, क्योंकि वहाँ जाति एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और जिस तरह का जातिवाद इस इन इलाकों में जो भविष्य में जहाँ चुनाव होने बारह वो पीछे नहीं है जहाँ आज हो गया। तो ये जो पोलिंग है, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये कि 18 साल से अधिक उम्र होते ही जिसको पहली बार मतदान का अवसर मिलता है वो संख्या बढ़ रही है हर बार हर चुनाव में, और जो नई पीढ़ी आ रही है वोट देने, उसमें उत्साह भी है, उसमें भविष्य का सपना भी है और जोश भी है, तो वो एक तो वोट एग्रेसिवली वोट करने आते हैं, इसलिए हर बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, हर चुनाव में बढ़ना चाहिए और ये 70 क्रॉस करना चाहिए। यही लोकतंत्र की जीत है, यही लोकतंत्र की सफलता है। वोट किसे भी दे, लेकिन आदमी दे जरूर घर से निकल करके। पहले लोग घर में बैठे रहते थे, गर्मी है, कौन जाएगा, पसीना, लू, ये वो। चुनाव आयोग ने बहुत प्रयास किया, राजनीतिक दलों ने भी बहुत प्रयास किया, मीडिया संस्थानों ने बहुत प्रयास किया, सब लोग मिलकर जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें मतदान में और अपनी राय रखें और उनकी राय के आधार पर देश चले। तो अगर हमें खुशी होगी ये परसेंटेज आंकड़ा फाइनलाइज होते होते 70% क्रॉस कर जाए अगर, तो ये लोकतंत्र के हित के लिए बहुत लाभदायक बात होगी। अभी जो मतदान के आंकड़े आ रहे हैं, जो परिदृश्य आ रहे हैं, कुछ एक जगह पर मतदान का लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन कई जगह समझाइश के बाद प्रशासन ने वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमारे पानी नहीं है पीने का, या हमारी पुलिया नहीं बनी, या ये नहीं बनी, तो अनदेखी जो होती है, अनदेखी की फ्रस्ट्रेशन में वो लोग ये बात करते हैं और थोड़ा बहुत समझाइश के बाद अक्सर मान जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का तरीका है, पर वो अल्टीमेटली अधिकांश जगह लोगों ने मतदान करना स्वीकार कर लिया, कुछ एक जगह छोड़ के, तो ये भी एक खुशी की बात है। जहाँ तक है मतदान का, जैसा पहले सोचते थे, एकदम जो चुनाव प्रचार तंत्र था बहुत धीमा सा, बाजार में गर्मी नहीं थी मतदान की, सुस्त चुनाव की, सुस्त चुनाव था ये। लेकिन सुस्त चुनाव इसलिए नहीं कह सकते हम इसको कि सुस्त नहीं, बल्कि अपेक्षा कर ज्यादा चुस्त था, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ रहे थे जी। सोशल मीडिया पर लड़ने वाले लोग क्या घर में बैठ रहते हैं, बगीचे में बैठ रहते हैं, ऑफिस में बैठ रहते हैं, कहीं बैठ रहते हैं, बाजारों में, वो रैलियों में, वो सभाओं में, उस तरीके से नहीं दिखते, नहीं आते, वो ऐसी नारेबाजी नहीं होती। मोदी के लिए जरूर होती है, ठीक है, मोदी 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 करते रहते हैं, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे, पहचान रहे थे, सब कर रहे थे। तो धीरे धीरे चुनाव घरों में कन्फाइंड होता जा रहा है और शांति बढ़ती जा रही चुनाव में। आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से माइंड मेकअप कर लेता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वोट डालने निकलता है जी। तो चुनाव के मतदान के एक दिन पहले तक लग नहीं रहा था ऐसे अग्रेसिवली लोग वोट करने आएंगे, धूप के बावजूद, गर्मी के बावजूद, अंदर की चेतावनी और थी कि अंदर आ सकता है। जब आपसे बात की थी कि वो माहौल नहीं है उस तरीके का जो लगता था कि माहौल है। हम भी क्या है, वो पुराने जमाने के पत्रकार हैं, हमने वो माहौल देखा है 77 का इंदिरा गांधी का माहौल देखा है, तो वो 80 का इंदिरा गांधी का माहौल देखा है, तो वो माहौल अलग होते थे। अभी क्या है, सबसे बड़ी बात ये कि इस चुनाव में गर्मी इसलिए नहीं आ पाई सबसे ज्यादा कि मोदी के सामने कौन, इस प्रश्न का उत्तर विपक्ष नहीं दे पाया पूरे चुनाव में। और पूरे चुनाव में अगर कोई प्रधानमंत्री या दूसरा कैंडिडेट सामने आता, विकल्प सामने आता, तो चुनाव एग्रेसिव होता, चुनाव में तनाव भी आता, जोश भी आता, और उसके ऐसा कोई नायक होता जिसको पूरा देश नायक मान लेता, तो चुनाव वास्तव में चुनाव होता। अभी तो क्या है कि चुनाव मोदी के इर्द-गिर्द केंद्रित होकर रह गया, मोदी या ना मोदी, जो मोदी से सहमत है, मोदी के साथ है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, जो भी उनके नारे हैं, वो सब मोदी मोदी सभाओं में भी करते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, तरह तरह चुटकुले भेजते हैं, तरह तरह की मजाक बनाते हैं सामने वाली पार्टियों की, और एक वातावरण दूसरी तरह का चल रहा है।
जो मोदी की इन बातों से असहमत हैं वो चुप हैं, चुपचाप जाके वोट डाले हैं। कुछ कहते हैं हम डरे हुए हैं, अशोक गहलोत कहते हैं मीडिया भी डरा हुआ है, और कुछ बात नहीं कहते लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मोदी विरोधी सोच का कोई नायक देश में नज़र नहीं आया। सिर्फ प्रदेश में अशोक गहलोत नज़र आए, जिन्होंने बातचीत में भाषण में जबरदस्त लोहा लिया, बोले खूब, तानाशाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब बातें बोले जो बोलनी चाहिए। शायद ही उनका कोई चुनावी अभियान ऐसा रहा हो जिसमें उन्होंने मोदी के खिलाफ हल्ला नहीं बोला। हाँ, मतलब कांग्रेस में नेशनल लीडर में ठीक है, राहुल गांधी को तो बोलना ही, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति को मैंने मोदी पर हमला करते देखा तो अशोक गहलोत देखा। तो अशोक गहलोत के अलावा और राहुल गांधी के अलावा, ठीक है मायावती कुछ बोलती हैं अपने इलाके में, यूपी में बोल रही, ममता बनर्जी बंगाल में बोल रही, समूचा देश किसी को मोदी के खिलाफ नायक मानकर उसके पीछे चल पड़े, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो पाई। और प्रतिपक्ष के लिए सबसे बड़ा कमजोर बिंदु यही है कि वो एकजुट होकर प्री पोल अलायंस नहीं कर सका और बता नहीं सका देश को कि मोदी की अगर नहीं बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो हम किसको बनाना चाहते हैं। वो नाम, व्यक्ति, चेहरा सामने नहीं लाया जा सका, इसीलिए मोदी विरोधियों में न जोश आया, न उत्साह आया, न सड़क पर आकर वो उस तरह चुनाव को की गर्मी को पैदा कर पाए। नीरज जी, आपको भी एक लंबा अनुभव है, आपने खूब चुनाव कवर किए हैं, आप किस तरह देखते हैं इस बार जो राजस्थान में प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है उसको देख के आप क्या कहते हैं? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो चुनाव है वो मोदी वर्सेज अदर से लड़ा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी बार बार राहुल गांधी का नाम उछाल रही, लेकिन राहुल गांधी को लेकर सीरियसता कहीं भी नज़र नहीं आई। सबसे बड़ी बात जो सर ने बताई अभी कि जो चुनावी रैलियां हुई उसमें ज़रूर मोदी का शोर सुनाई दिया, लेकिन हकीकत में ये शोर सोशल मीडिया पर ज़्यादा नज़र आया, क्योंकि लोग अब अपना वोट देना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उनको राजनीतिक रैलियों से मतलब नहीं है, उनको राजनीतिक सभाओं से मतलब नहीं है, घर पे झंडे टांगने से मतलब नहीं है, उनको अपना काम करना, जिसको जो वोट देना, या फिर मुखर है, लोग या तो मुखर थे जो मोदी समर्थक थे और मोदी के विरोधी थे। अगर आप एक सोशल मीडिया पर एक मोदी जी का कुछ डालोगे तो उनके हजारों लाखों की संख्या में व्यूअर्स और सब सब्सक्राइब करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी डालता है तो उनकी संख्या हजारों में भी नहीं पहुंच पाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये चुनाव पूरा अभियान चला है। तो कुल मिलाकर जो सर ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि देश में ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके नाम पर मोदी के खिलाफ वोट मांगे जा सके। कांग्रेस अपना चेहरा बता रही है, यूपी में अखिलेश यादव और मायावती का नाम आगे आ रहा है, कहीं पे ममता बनर्जी का नाम आगे आ रहा है। तो सही बात यह है कि मोदी के सामने कोई सशक्त विकल्प नज़र नहीं आया, जिसके पीछे नायक की तरह लोग, जिस तरह मोदी के पीछे लोग नज़र आ रहे थे वैसे किसी एक नायक के पीछे खड़े नज़र आते। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जरूर कोशिश की है, और आज राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था कि मोदी के दिन गए, सरकार बदल गई, बदल जाएगी, जनता ने फैसला कर लिया है। तो लेकिन लोग उनको अभी इस रूप में न तो देखना चाह रहे हैं, और जिस तरह से, क्योंकि अभी जिस तरह मोदी का माहौल जो चला, राजस्थान में मतदान हुआ तो आपको पता है कि जिस तरह से पूरा उन्होंने जोर लगाया, एक एक सीट पर जहां लगा बीजेपी ने जो फीडबैक दिया, जोधपुर में खुद आए अमित शाह, आए खुद वसुंधरा राजे गई, तो जो भी सीट लग रही थी कि ये कांग्रेस की पार्टी की खाते में जाती दिख रही थी, अलवर सीट में उनको लग रहा था ये कहीं कहीं भंवर जितेंद्र सिंह जीत सकते हैं, तो वहाँ पे रैली तय हो गई। सिक्कर में लग रहा था कि सुभाष मेहरिया मजबूत है तो वहाँ रैली तय हो गई। तो जहाँ भी लगा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत मोदी की रैलियाँ तय की है, कराई भी है, और अमित शाह और जो दूसरे, जहाँ सनी देओल की आवश्यकता पड़ी, बाड़मेर में सनी देओल ने बिल्कुल माहौल बदल दिया, अजमेर में उन्होंने रोड शो किया। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी ने इसको बिल्कुल बहुत आक्रामक तरीके से लिया। कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है लेकिन वो इतना आक्रामक रूप नहीं ले पाई, और मतदान में भी, क्योंकि कई जगह पे रुझान आए हैं, जिस तरह से सूचनाएं मिली है कई जगह पर बीजेपी कांग्रेस के बीच झड़पें भी हुई है। बाड़मेर में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी हल्की फुल्की झड़प हुई है, अजमेर में भी इस तरह का हुआ। और ये जब होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लड़ाई बराबरी की है, कमजोर आंकना किसी भी दल को अभी होगा, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। अनिल जी, हम बात करें, ठीक है, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम देश की भी बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत कम मतदान हुआ है। पिछली बार भी ऐसे 10-12% हुआ था।
देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में तो जो बात करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसा माहौल बन गया, ऐसा माहौल बन गया जी। इसलिए हम भी क्या बात करें, क्योंकि सच सब जानते हैं, जुबान पर कोई लाना नहीं चाहता। चलिए, हम भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं। राजस्थान में ज्यादा मतदान, उसके बाद उड़ीसा में बहुत अच्छा मतदान हुआ, उस पर तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, उड़ीसा की बात है कि उड़ीसा में जो बात सब जगह फैल रही है वो ये कि जो बीजेपी को सीटें राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन 5 स्टेट में जितनी भी कमी होगी, मानते हैं 15% 20% सीटें कम होंगी पहले से जी। राजस्थान में 25 में 25 मुझे नहीं लगता आएंगी, तो वो कमी, ऐसा बीजेपी का मानना है कि वो बंगाल और उड़ीसा से पूरी करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी का वर्चस्व कायम है, हमारी बहुत सारे लोगों से कोलकाता में बात हुई जो राजस्थानी लोग हैं, लेकिन उनका मानना है कि बीजेपी पहले से अच्छा करेगी, 2 सीट से 4, 6, 8 कुछ भी हो सकती है, पर पहले से बेहतर होगी। और ममता विरोधी वोट जो है वो बीजेपी के इर्द-गिर्द सिमटने लगा है, बजाय सीपीएम के और बजाय कांग्रेस के इर्द-गिर्द सिमटेंगे। तो ममता विरोधी जो भी लोग हैं विचारधारा से, वो सीपीएम और कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी वहाँ रेलेवेंट हो रही है। और बीजेपी इसलिए रेलेवेंट हो रही है कि ममता से मोर्चा ले रही है, ममता से मोर्चा लेने वाली पार्टी दूसरा ध्रुव बन जाएगी, दूसरा ध्रुव बन जाएगी, उसके इर्द गिर्द ममता विरोधी वोट यूनाइट होगा, पोलराइज होगा, इसलिए उसको सफलता मिलेगी। एक बात, दूसरी बात ये कि बीजेपी एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिफाइंड और वेल एजुकेटेड तरीके से चुनाव लड़ी है। उसका हर कार्यकर्ता शिक्षित दीक्षित है, उसका पूरा समूह ऊपर से दिल्ली से लेकर यहाँ तक नीचे तक, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पता, हर आदमी को अपने अधिकार पता, हर आदमी को अपने कर्तव्य पता, हर आदमी को अपनी सीमाएं पता, और हर आदमी को कितने पैसे मिलेंगे, कितना खर्चा करना है, सब पता है। कांग्रेस तो एक नदी की तरह है, ये नाला आके मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, अपना रास्ता खुद बनाती कांग्रेस। बीजेपी वेल डिफाइंड तरीके से चलती है, सब कुछ तय होता है, सुव्यवस्थित तरीके चलती है। दूसरा ये कि हम तो जैसे अपने आप को कहते हैं बदलते वक्त के गवाह, बीजेपी बदलते वक्त के साथ कदम ताल करने वाली पार्टी बन गई है। वो जो सोशल मीडिया और जितने भी वैरायटीज हो सकती हैं एड्रेस करने की जनता, वो सब स्वीकार कर ली उसने, जितने भी नए तौर तरीके हो सकते हैं बदलते जमाने के, नई पीढ़ी को अपने आप से जोड़ने के, उसको वो एक सेकंड में एक्सेप्ट करती है जी। ये एक्सेप्टेंस कांग्रेस में बहुत डिले है और उतने एग्रेशन के साथ नहीं है जितने एग्रेशन के साथ होनी चाहिए, जबकि उनके पास, जबकि राजीव गांधी इस देश में लेके आए थे मोबाइल और कंप्यूटर युग, प्रौद्योगिक क्रांति जो है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति राजीव गांधी लेके आए थे। ये बात भी जनता को नहीं समझा सकी कांग्रेस। राहुल गांधी अपनी जुबान पे, शायद मैंने नहीं सुना कभी अपने पिता का नाम लिया हो, कि मेरे पिता राजीव गांधी की बदौलत ये मोबाइल आपके हाथ में है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये इंटरनेट है, जो सारा ऑपरेशन सी डॉट था, साइंटिफिक मिशन था, सैम पित्रोदा इसके नायक बने थे, वो राजीव गांधी ने किया, 18 साल का मताधिकार राजीव गांधी ने दिया। पर कांग्रेस अपनी जुबान से ये नहीं कह पा रही कि नौजवानों, 18 साल के नौजवान, तुम्हें आज जो वोट देने का अधिकार मिला है, पहले 21 साल का था, वो मेरे पिता के शासनकाल में मिला, खुद बेटा नहीं कह पा रहा। आई एम सरप्राइज कि उनके इर्द गिर्द कैसे सलाहकार हैं, कैसे उनको उनके भाषण लिखने वाले लोग हैं, कैसी बैंकरप्सी सोच की है कांग्रेस पार्टी के पास, कि न तो वो इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को भुना पाई, न राजीव गांधी की, इतना देश के साथ, और बार बार ये सुनती रही कि 70 सालों में किया क्या किया क्या, ये भी सुनती रही जी, इसका जवाब नहीं दे पाई। और देशभक्त हमें ये कहती रही बीजेपी, पलट के ये नहीं कह पाया कि हम भी हैं देशभक्त। बिल्कुल जी, चलिए सत्ता संग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सत्ता संग्राम में। अनिल जी, हम बात कर रहे थे राजस्थान में जो प्रथम चरण का मतदान हुआ 13 सीटों के लिए, आंकड़े अच्छे आए हैं, कई जगह 70% से ऊपर तक मतदान गया है जी। बाड़मेर में 72% के आसपास मतदान हो रहा है, पिछली बार भी 73% हुआ था शायद, वो आंकड़ा 72.44% पिछली बार, 73% हो सकता है। बांसवाड़ा जैसे बांसवाड़ा में 72% मतदान हो गया, 71.99%। तो बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का सबसे बड़ा कारण तो BTP है, भारतीय ट्राइबल पार्टी उसने ट्राइबल्स में एक नई हुक जगाई है,
और नई हुक जगाई नौजवान भी है जो व्यक्ति खड़ा हुआ है जी। और वो अगर ज्यादा वोट ले गया तो डैमेज कांग्रेस होनी है उससे, स्पष्ट बात है। तो लेकिन तीनों उम्मीदवार एग्रेसिव, तीनों उम्मीदवार एक तरह से दो नेशनल पार्टी पर तीसरी पार्टी भी बराबर में टक्कर लेने वाली पार्टी आ गई, और उसके पास जो सोच है वो सोच ट्राइबल्स की सोच है जी। और मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि वहाँ 100% पद रिजर्व हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में जी। सरपंच से लेकर सांसद तक ST के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता, प्रधान, जिला प्रमुख, कुछ भी। तो इसलिए उस जगह 71-72% वोट होना, इसका मतलब जनरल कास्ट ने वोट में हिस्सा लिया, वोटिंग में जनरल कास्ट भी ये नहीं देख रही है कि ST का व्यक्ति ही सांसद बन रहा है या ST के व्यक्ति MLA MP बनते हैं। जनरल कास्ट कोई बात कह रही है अपनी, ये सिर्फ ट्राइबल्स की वजह से वोट नहीं बढ़ रहा है, ये वोट जनरल कास्ट के उन लोगों की वजह से बढ़ रहा है जो कैंडिडेट को नहीं देख रहे, पार्टी को देख रहे हैं, पार्टी के, ठीक है ना। और पार्टी को देखने वाले लोग कौन हो सकते हैं ये हम सब समझ सकते हैं। तो इसलिए किसी एक पूरे देश में बह रही किसी धारा को लेकर भी जनरल कास्ट के वोट वहाँ पड़ सकते हैं। और वहाँ मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य ना करें अगर 73%, 74%, 75% मतदान हो जाए, बेहतर अभी हो चुका है और इसके अलावा भी कई बहुत लोग करेंगे मतदान, तो वो आंकड़ा आने में टाइम लगता है। तो ये और बाड़मेर, ये बिल्कुल रिमोट की, बिल्कुल राजस्थान किनौरे की सीटें हैं, मध्य राजस्थान नहीं है, यहाँ पर राजनीति की हवा ज़्यादा नहीं चलती, वो पाकिस्तान से लगा इलाका है बाड़मेर, जैसलमेर गुजरात से लगा हुआ, गुजरात से लगा इलाका है बांसवाड़ा डूंगरपुर, गुजरात से भी है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ भी है। तो इन दोनों जगह तो 72 से 75% की मतदान हो सकता है, बाकी जगह भी जैसे अजमेर में मेरे को लग रहा है कि 66% क्रॉस करेगा मतदान, झालावाड़ 12 में भी 70% क्रॉस करा है। हाँ, तो खैर झालावाड़ 12 में तो वो चूंकि वसुंधरा गढ़ है दुष्यंत सिंह जी, वहां से लगातार 3 बार सांसद रहे हैं और वसुंधरा खुद 5 बार रही है, तो वो उन्होंने कोई रिस्क नहीं ली होगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी जी। और प्रमोद शर्मा बिल्कुल नए प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, तो ये कोई मतदान अभी स्पष्ट है, लेकिन लगता है अपेरेंटली लगता है कि वसंत राजे के मेहनत से और वसंत राजे और दुष्यंत सिंह की, जिस तरह से उन्होंने लगातार मेहनत की, कल भी जो रोड शो किया, जैसे अशोक गहलोत ने मेहनत की जोधपुर में जी, बिल्कुल वसंत राजे ने वैसी की जोधपुर में। वसंत राजे ने ये नहीं देखा कि 3 बार का मेरा बेटा 3 बार का सांसद, ये नहीं देखा। गहलोत जी का बेटा तो पहली बार लड़ रहा था चुनाव, पर उसी में आज वो XCM है, लेकिन वो भी 2 बार CM रह चुकी है, तो 5 बार सांसद रह चुकी है उसी सीट से, बेटा 3 बार सांसद रह चुका, फिर भी उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, पूरी मेहनत करी, मेहनत की है, बैठी नहीं आराम से। जिस 12 के लिए मानते थे कि ये शायद हो सकता है कांग्रेस का गढ़, उस इलाके में उन्होंने खुद ने रोड शो किया और खुद ने कहा कि दुष्यंत नहीं, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो साफ सी बात है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस तरह से उनके समर्थन में जो जनसैलाब आया था उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी की हालत वहाँ बड़ी खराब से लगती है। वैसे लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड है कि वसुंधरा जी बेटे के लिए वोट मांगे तो कोई गुनाह नहीं, और अशोक गहलोत बेटे के लिए वोट मांगे तो गुनाह, वो पूरे प्रदेश को एक तरफ रखकर अपने बेटे के पुत्र मोह के अंदर हैं और वहाँ वंशवाद नहीं है और यहाँ वंशवाद है, ये क्या बात हुई। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसी लगभग 60 सीटों के लगभग है जहाँ पर इस तरह से पिता राजनीतिक विरासत संभाले हुए लोग, कहीं बेटा है, कहीं बहू है, सब पार्टियों में, तो इसलिए आरोप लगाने के लिए तो सब चीजें होती है। चलिए नीरज जी, मतदान जोधपुर में भी मतदान अच्छा हुआ, मैंने सुना है कि जोधपुर में भी अच्छा मतदान हुआ, 68 क्रॉस करेगा, जहाँ तक 70 करेगा दोनों तरफ से, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही मुखर है वहाँ पे, दोनों ने खुद अमित शाह ने रोड शो किया, खुद मोदी ने वहाँ पर सभा की और खुद गजेंद्र सिंह वहाँ पर मंत्री हैं केंद्रीय जी, अशोक गहलोत 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 5 बार वहां से सांसद रहे, उनका बेटा घर घर गए, गली गली गए अशोक गहलोत, और जिनको 4 साल के लिए विकास की उम्मीद है वो चीफ मिनिस्टर के साथ जुड़े हुए हैं लोग जी। तो इसलिए दोनों तरफ से कई सीटों पर ऐसा है कि जहां दोनों टक्कर कांटे की है वहां पे दोनों ही पक्षों ने ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए लोगों को घर से बाहर निकाला और मतदान कराया, इसलिए लगता है मुझे इस बार जो प्रतिशत है थोड़ा अच्छा है। देखिए राखी जी, क्या लोगों को लग रहा था सीधी टक्कर है, सीधी टक्कर में जहाँ फंसे हुए लोग थे तो उनको लगा कि थोड़ी सी भी अगर कसर रह गई तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो इसलिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी जबरदस्त कोशिश की और मतदाताओं को घरों से निकालकर बूथ तक पहुंचाने का काम किया। गर्मी भयंकर तरीके से इस समय पूरा जो प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का हालत और भी आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर गर्मी है, लेकिन कहीं कहीं उसका असर है। बहुत लोगों ने सुबह निकल के वोट दे दिया सर्दी में, ठंड में, और बहुत लोगों ने शाम को 4 बजे बाद। अभी बताया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर इतने लोगों की भीड़ है कि जो ये आंकड़े होंगे ये बहुत चौंकाने वाले होंगे
हो सकते हैं जी। नीरज जी, 13 सीटों के लिए मतदान हुआ, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि कहां आपको लगता है बहुत कड़ा मुकाबला रहा आपके हिसाब से। देखिए, 13 सीटों की बात करें, सीधा सबसे पहले बात की जाए जोधपुर की, तो वहाँ सीधा सा मुकाबला है बिल्कुल, वहाँ मोदी वर्सेज अशोक गहलोत हो गए, और जिस तरह वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच सीधा मुकाबला है। बाड़मेर की बात करते हैं आप, मानवेंद्र सिंह की बात करें, मानवेंद्र सिंह और जो वर्तमान कैलाश चौधरी जो पूर्व विधायक है उनके बीच सीधा मुकाबला है वहाँ पर, जिस तरह धर्मेंद्र ने जाके माहौल को पलटा और खुद राजनाथ सिंह गए तो सीधा मुकाबला वहाँ भी। नमोनारायण मीणा की सीट जहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री है टोंक सवाई माधोपुर में, वहाँ शायद मतदान ज़्यादा नहीं हुआ, वहाँ मतदान कम हुआ है, 61 के लगभग हो गया, पिछली बार भी इतना ही था। लेकिन जौनपुरिया मौजूदा सांसद है नमोनारायण मीणा, केंद्रीय मंत्री रहे हैं पूर्व में, और मीणा वर्सेज गुजर वहाँ सीधा सा दो जातियों का सीधा सा अलग अलग बंटवारा वहाँ हुआ, और एक ऐसी सीट है जहाँ पर जो राजस्थान में बड़ी मानी जाती है, नहीं जहाँ से उप मुख्यमंत्री विधायक भी है, विधायक हैं पहली बात, और हरीश मीणा नमोनारायण मीणा के कैंडिडेट के सगे छोटे भाई जी। जो बीजेपी के सांसद दौसा से पहले थे वो वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, तो दो प्रमुख व्यक्ति एक मीणा और एक गुजर, और जो डिप्टी सीएम है पीसीसी चीफ है वो वहाँ से विधायक है, एक बात। दूसरी बात, किरोड़ी सिंह बैंसला गुजरों के दूसरे नेता जो बिल्कुल खार खाए हुए हैं कांग्रेस से, वो बीजेपी कैंडिडेट के साथ खुद भी गुजर हैं और कैंडिडेट भी गुजर हैं, तो उन्होंने बीजेपी की जब सदस्यता ग्रहण कर ली तो खुद भी गुजर हैं और जौनपुरिया भी गुजर, कैंडिडेट भी गुजर है, उन्होंने घूम घूम कर राजस्थान में, वो देखना पड़ेगा। दरअसल वहां गुजर मतदाताओं में सचिन पायलट वर्सेज किरोड़ी सिंह बैसला एक परीक्षण हो रहा है, और वहां के जो गुजर इलाके हैं उनके बूथ बताएंगे कि जो डिप्टी सीएम पीसी चीफ सचिन पायलट हैं उनका वर्चस्व कितना है जो टोंक से ही एमएलए हैं, या किरोड़ी सिंह बैसला जो बिदक के बीजेपी में शामिल हुए हैं अभी हाल ही में मैदान में उतरे हैं जौनपुरिया के पक्ष में जी। वो कितना अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं, क्योंकि किरोड़ी सिंह बैसला भी उसी इलाके से चुनाव लड़ चुके हैं एक बार, और 500-400 वोटों से हारे थे इन्हीं नमोनारायण मीणा से जी। इसलिए 300 वोटों से, हाँ 300-400 वोट जो भी है, तो वो भी वहाँ रेलेवेंट हैं, किरोड़ी सिंह बैसला भी, हाँ तो बहुत ज्यादा टफ फाइटिंग वहाँ पे, कितने सारे लोग रेलेवेंट हैं वहाँ, जौनपुरिया अभी निवर्तमान सांसद किरोड़ी सिंह बैसला वहां से चुनाव लड़के 300-400 वोट से आ रहे, बीजेपी के टिकट पे लड़े थे वो, खुद नमोनारायण मीणा जो जिन्होंने किरोड़ी सिंह बैसला को हराया था, हरीश मीणा जो उनके सगे छोटे भाई हैं देवली से एमएलए, वो भी डीजीपी रहे, नमोनारायण मीणा भी डीजीपी रहे, और सचिन पायलट जो पीसी चीफ हैं और डिप्टी सीएम हैं वो भी उसी इलाके से एमएलए, इतने सारे लोगों के राजनीतिक पर्चे बांचे जाएंगे इस रिजल्ट से। बहुत सही बात है, राजसमंद में भी बहुत कम मतदान, मतलब बहुत कम तो नहीं लेकिन राजसमंद राखी जी उसको बिल्कुल 60% अभी तक वहाँ पे भी मतदान किया, ठंडा माना जा रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर दिया कुमारी है और दिया कुमारी के सामने जिस तरह देवकी नंदन काका है, स्थानीय प्रत्याशी है देवकी नंदन काका, और माना जा रहा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में पहले दिन से मानी जा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि जोर लगाया, लास्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहाँ गई तो कोशिश तो उन्होंने पूरी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट और अशोक गहलोत ही वहां पर पहुंच पाए, तो वहां भी मुकाबला ऐसा कमजोर नहीं है। राजस्थान में राजसमंद अकेली ऐसी सीट है जिस पर विधानसभा की 4 जिलों की सीटें आती है, इसलिए राजसमंद के सांसद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कभी मजा नहीं आएगा। नागौर के दो विधानसभा सीटें मेड़ता और डेगाना, उनका मिजाज बिल्कुल अलग, ब्यावर सीट अजमेर की उसका मिजाज अलग, जेतान सीट पाली की उसका मिजाज अलग, और 4 सीटें भीम कुंभलगढ़ राजसमंद और नाथद्वारा राजसमंद सीटें, उनका मिजाज बिल्कुल अलग, उनका बिल्कुल अलग। तो किसी भी कैंडिडेट को सूट करने वाली सीटें आठों की आठों ऐसा नहीं लगता मुझे, इसलिए इतने बिखरे हुए लोकसभा क्षेत्र में एक राय होना, एकजुटता होना और एक प्रत्याशी के प्रति आकर्षण होना, पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर देता है पार्टी के प्रति, लेकिन कोई प्रॉपर लीडरशिप कभी वहां डेवलप हो पाएगी नेशनल लेवल के ऊपर सांसद के रूप में, इसमें मुझे संदेह है। होगी तो वो 4 विधानसभा क्षेत्र या तो उनको कैटर करेगी राजसमंद को, या 2 विधानसभा क्षेत्रों को इनको कैटर करेगी मेड़ता डेगाना को, मतलब वो डिलिमिटेशन में जो सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है वो राजसमंद लोकसभा सीट के साथ हुआ है, ये मेरा मानना है ऐसा। इस बार देखा गया कि मुस्लिम मतदाताओं में जोश बहुत कम नजर आया, जो लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी मुस्लिम, नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कि कतारें अभी भी लंबी लगी है। अजमेर से मेरे पास सूचना है कि खादी मोहल्ले में अंदर कोर्ट में उधर काफ़ी अग्रेसिव वोटिंग हुई है। मुसलमानों ने एक काम किया इस बार,
एग्रेशन नहीं दिखाया वोटिंग में, वोटिंग से पहले, क्योंकि वो हिंदू पोलराइज होने के डर से व्यथित भी थे और उन्हें लग रहा था सामने वाली पार्टी हिंदू वोटों को पोलराइज कर रही है ऑलरेडी, वो फतवा दे रही है, नारा दे रही है। हम अगर एग्रेसिवली सड़क पर आए तो हिंदू वोट उनका पर्पज सर्व हो जाएगा जिन्हें हम हराना चाहते हैं जी। इसलिए उन्होंने प्री पोल जोश नहीं दिखाया, ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत कैलकुलेटेड तरीके से हुआ है। वो भी समझदार हो गई कौम, और उन्होंने जो कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाई थी वो दिखाई नहीं है, पर वोट डाला है उन्होंने, और ईसाई कम्युनिटी ने पूरा वोट डाला है अजमेर में, भीलवाड़ा में, सब जगह मेरी जो बातचीत होती रही है, जहाँ भी जोधपुर में काफ़ी ईसाई हैं, उन सब ने वोट डाला है, वोट देने निकले हैं और वो एक राय होकर वोट देने निकले हैं जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने जाति धर्म के आधार पर वोटों के पोलराइजेशन को रोकने के लिए जाहिर नहीं होने दिया, जाहिर नहीं होने दिया कि उनका मंतव्य क्या है। चलिए, वक्त अब हो चला है सत्ता संग्राम में इतना ही। प्रथम चरण का मतदान राजस्थान में हो गया है जिसमें 13 सीटों के लिए आज मतदान हुआ, अब 12 सीटों के लिए 6 मई को मतदान होना है। सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, आप दोनों का बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।